अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या जाना है दोस्तों आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू देने जा रहा हूँ जो कि मैं पर्सनली तौर पर खुद अगर बाय करना चाहूँ तो मुझे उसमें कोई ऐसा कम फीचर नज़र नहीं आता कि मैं उसको बाय ना करूँ, क्योंकि जो कि इस प्राइस टैग में इतनी ज़बरदस्त कार टोयोटा वालों ने प्रोवाइड की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्टस 1.6 के बारे में। दोस्तों ये गाड़ी एक अपने प्राइस टैग के हवाले से बड़ी ही खूबसूरत और एक यूनिक लुक प्रोवाइड करने वाली है। मैं इंशाल्लाह आपको एक एक फीचर इसका बताऊँगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगा, और आपको ये भी बताऊँगा क्या हमें ये गाड़ी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, दिस इज द अल्टस 1.6 एक्सीविटी। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट लुक इम्प्रेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसके रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम इसके एक्सटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, यहाँ पे हैलोजन बल्ब इस्तेमाल किया गया है लाइट में, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैजर्ड्स लाइट्स हैं, और उसके अलावा दरमियान में देखें तो यहाँ पर हमें टर्न सिग्नल्स की लाइट मिल जाती हैं, और लाइट भी की अगर पूरी ओवरऑल कंडीशन देखें तो मुझे तो लाइट पर्सनली तो वह बड़ी को ज़बरदस्त लगी। लेकिन एक बैड फीचर जो मुझे सबसे बुरा लगा इस चीज़ में कि यार आप इतने प्राइस टैग में, इतनी हैवी प्राइस टैग में आप गाड़ी हमें दे रहे हो, तो उसके उस हिसाब से इन्होंने जो हमें फोग लैम्प्स ही नहीं दिए। फोग लैम्प्स की तरफ से मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ यार, इन्होंने फोग लैम्प्स क्यों नहीं दिए। बाकी ये कंपनी के काम है, कंपनी जाने। और उसके अलावा अगर हम इसके ग्रिल की बात करें तो ग्रिल भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक यूज़ किया गया है ग्रिल्स में, और ये भी बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रहा है। ब्लैक कलर का ग्रिल है, कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बनाया। फ्रंट पे आप देख सकते हैं, फ्रंट पे टोयोटा का लोगो है, बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रहा है। हाँ ऑलराइट, सो यहाँ पे लोगो दिया गया है। साइड में देखें तो साइड में भी यहाँ पे भी हमें वही लाइट मिलती हैं, वो हिट सिग्नल्स, टर्न सिग्नल्स वाली लाइट्स, और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम एक चीज़ का एडिशन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें DRLs भी मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स, उसका एडिशन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बम्पर वगैरह चेंज किया, फ्रंट और रियर बम्पर, उसमें इन्होंने ये चेंजिंग किया है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक तरीके का एक बम्पर इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, और उसकी आप लाइनिंग चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके अलावा अगर हम साइड की बात करें तो साइड में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कर्व शेप दी हुई है जो कि अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है, बहुत ज़बरदस्त है। और साइड में अगर हम देखें, यहाँ पे हमें जो साइड वाले मिरर मिलते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त लुक के मिल रहे हैं, और उसके अगर यहाँ पे देखें टर्न सिग्नल की लाइट मिल जाती है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बड़ा बैड फीचर लगा, वो बैड फीचर ये इन्होंने दिया कि इस वक्त इन्होंने ये 1.6 में डिटेक्टेबल मिरर नहीं दिए। ये एक बहुत ही बैड फीचर मुझे मिला, क्योंकि ग्रैंडी में फ़ीचर है कि वहाँ पे डिटेक्टेबल मिरर का हमें ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन 1.6 में पता नहीं क्या बात है, उन्होंने इस तरह क्यों डिटेक्टेबल मिरर नहीं दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर की ओवरऑल की बात करें तो डोर बड़ा खूबसूरत किस्म का बनाया गया है, और यहाँ पे अगर मैं थोड़े से शेड्स आपको दिखाना चाहूँ, ये शेड्स चेक करें, ये लाइनिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे लाइनिंग की गई है, कर्व बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत शार्प कर्व दिए हैं, जो कि एक अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे डोर लॉक की अगर बात करें, डोर लॉक बहुत सिंपल किस्म का दिया गया है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं की गई है, पुरानी गाड़ी में भी यही चेंज थी, इसमें भी यही इन्होंने डोर लॉक पुराने वाला ही दे दिया। और उसके अलावा अगर हम डोर के अंदर इंटीरियर की बात करें तो डोर के अंदर हमें एक बहुत अच्छी लुक वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक क्रोम टाइप की इन्होंने पट्टी दे दी,
जो कि उसकी प्लास्टिक की बनी हुई है और बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमें डोर लॉक हैंडल मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें डोर लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये ड्राइवर साइड वाली है। और उसके अलावा यहाँ से हम इसके चारों पावर विंडो को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जिस तरह यहाँ से ऑटो ड्राइवर साइड का ऑटो खुद ही ऑन ऑफ होगा, खुद ही खुलेगा और बंद होगा, और बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर नीचे बात करें, यहाँ पे हमें कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें अगर देखें साइड पे, तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छे किस्म का, मेरा तो ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वूफर इस्तेमाल किया गया है। ओके और राइट, हम इसको भी चेक करेंगे। और अगर हम बात करें इसके रियर डोर की, तो रियर डोर भी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको दिखाता हूँ रियर डोर का इंटीरियर, तो रियर डोर का इंटीरियर थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। रियर डोर में हमें क्या मिल जाता है, रियर डोर में रियर डोर लॉक मिल जाता है सिंपली। और उसके अलावा यहाँ पे हमें मिरर को कंट्रोल करने के लिए अप एंड डाउन ये ऑप्शन मिल जाता है, ये भी अच्छा है। और उसके अलावा नीचे हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें कप होल्डर मिलता है, और एक यूनिक किस्म का कप होल्डर हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पे एक ये पट्टी जो लगी हुई है, ये एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा फीचर प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, कि आपको एक लुकिंग वाइज बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे अगर साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें चाइल्ड लॉक ऑप्शन मिल जाता है, हम इजीली गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाइल्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा के ऑटोमेटिकली तरीके से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसकी टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स भी किसी से कम नहीं। यहाँ पे हमें टर्न सिग्नल्स की लाइट्स भी मिल जाती हैं, और उसके अलावा हमें बैक रिवर्स की लाइट्स भी मिल जाती हैं, और उसके अलावा हमें हैजर्ड्स लाइट्स की ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि बड़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। अगर ऊपर वाली बात करें तो यहाँ पर ऊपर में क्रोला अल्टस का एक लोगो मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। दरमियान में देखें तो दरमियान में हमें टोयोटा का अपना जो उनका प्रोफेशनल लोगो है वो हमें मिल जाता है। नीचे रियर में बात करें तो ट्रंक के रियर वाली साइड पे हमें क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही यूनिक लुक प्रोवाइड कर रही है। नीचे देखें बम्पर की तरफ देखते चलें रियर बम्पर, तो रियर बम्पर में चेंजिंग ब्लैक कलर का रियर बम्पर दे दिया है, और टोटली चेंज है हमारी पुरानी जो कि क्रोला 1.6 थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे लोगो यहाँ पे हमें मिला है। और साइड में देखें तो यहाँ पे हमें सुपर ईसीटी ऑटोमेटिकली भी लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि अच्छा है। और पर्सनली तो मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और उसके अलावा अगर हम टोयोटा की बात करें तो यहाँ पे टोयोटा का भी एक ब्रांड मिल जाता है हमें लिखा हुआ। और नीचे अगर मैं ओवरलुक दे दूँ इसकी बैक की, तो बहुत खूबसूरत लग रही है, चेक कर सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त लुक लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर हमें विंड स्क्रीन मिल जाती है रियर, जो कि बहुत अच्छी किस्म की है। विंड स्क्रीन पर लाइनिंग देख सकते हैं आप, लाइनिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। सो गाइज, दिस इज द बैक ट्रंक ऑफ 1.6 एंड 1.8। दोस्तों 1.6 और 1.8 का बैक ट्रंक बिल्कुल एक ही जैसा होता है, एक ही तरह की कैपेसिटी होती है। और अगर हम बात करें उसके नीचे, उसके अंदर हमें चार फ्लोर मैट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा हमें एक शीट मिलती है प्लास्टिक की, और उसके वो एक कवर शीट है जिसके नीचे हमें, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, उसके नीचे हमें एक स्पेयर व्हील मिलता है, और उसके अलावा एक स्पेयर जैक मिलता है। सो दोस्तों, अगर हम बात करें विंड प्लेट की, तो विन प्लेट में हमें यहाँ पे मॉडल कोड और उसके अलावा बाकी सारी इधर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साइड पे देखें तो साइड पे हमें फ्यूल लॉक मिल जाता है, जहाँ से आप फ्यूल इंसर्ट करवा सकते हैं। और अगर हम नीचे इसके टायर्स की बात करें, तो टायर्स इसमें जो गाड़ी में ये टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो योकोहामा के टायर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि 205/55R16 के टायर हैं, जो कि इस वक्त मेरे नज़दीक मार्केट प्लेस में इस वक्त सबसे जो हाईएस्ट टायर की जा रहे हैं उनमें ये इनका नंबर भी पहले दूसरे नंबर पे मेरा आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात करें, यहाँ पर हमें फ्रंट पर भी डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलती हैं, और डिस्क स्कूटर है बहुत खूबसूरत तरीके का, अलॉय रिम बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया है, बहुत ही यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लाइनिंग कितनी खूबसूरत तरीके से की हुई है, और बिल्कुल चार पैचेस दिए हुए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा बात करें यहाँ पे अगर नीचे, तो ये चेक कर सकते हैं ये लाइनिंग बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ये भी इन्होंने बहुत एक अच्छा कर दे के अच्छी लुक प्रोवाइड कर दी है। उसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर साइड स्कर्ट्स की, तो साइड स्कर्ट्स भी किसी से कम नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये भी लुक प्रोवाइड करती हैं। ये साइड स्कर्ट बनी हुई है, इस प्लास्टिक की साइड स्कर्ट है, और बहुत हार्ड तरीके से बनी हुई हैं, बहुत नॉर्मल तरीके वाली नहीं है, हार्ड तरीके वाली साइड स्कर्ट बनी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे हम देखें फ्रंट पे भी, ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जो हमें पहले मैं बता चुका हूँ आपको। इसी
और राइट दोस्तों, अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टेनिंग के बारे में। दोस्तों हमें जो 1.6 में स्टेनिंग मिलता है वो 3-स्पोक स्टेनिंग व्हील मिलता है। उसके अलावा अगर हम साइड पे देखेंगे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हम FM को कंट्रोल कर सकते हैं साइड वाले बटन से। और अगर हम नीचे वाले बटन की बात करें तो यहाँ पे होल्ड मोड है। होल्ड मोड का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑडियो सिस्टम से डायरेक्ट FM पे जाना है तो आप सिंपल इस बटन को प्रेस करेंगे और आप उस FM की तरफ चला जाएंगे, यहाँ आप सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। और अगर हम साइड पे यहां पे बात करें, जब मैं बात करूंगा ऑप्टीट्रोन मीटर के बारे में तो फिर हम इस फंक्शंस के बारे में देखेंगे, फिर मैं आपको इस बटन्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये बटन किस लिए हैं। और उसके अलावा अगर हम साइड पे देखें, यहां पे हमें एक एयर वेंट्स मिल जाती हैं एसी की, जहां से आप कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं यहां से कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम नीचे बात करें यहाँ पे हमें मिल जाते हैं मिरर्स को डाउन करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे साइड व्यू मिरर के बारे में तो साइड व्यू मिरर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन अपनी मर्जी के मुताबिक। मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन दी हुई हैं, आप कर सकते हैं डाउन कर सकते हैं साइड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप इसमें फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा DVD प्लेयर मिलता है और उसके बहुत अच्छे पिक्सल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर हम ऊपर की बात करें यहाँ पर हमें एयर डक्ट मिली गई हैं। और यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें यहाँ पे हमारा टाइम चल रहा होता है और टाइम को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हॉर्स और मिनट को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप टाइम इसका एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें यहाँ पे हमें एक हैजर्ड लाइट्स का ऑप्शन मिल जाती है। अगर उसके नीचे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के मोड्स मिल जाते हैं कि आपने एयर कहाँ पे आपको चाहिए। अगर आपको मुंह पे चाहिए एयर तो आप मुंह के ऊपर ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए एयर आपके पाँव तक तो पाँव में भी मिल जाएगी। उसके अलावा सिंपल पाँव तक भी मिल जाएगी और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे फंक्शंस बने हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे एसी की कूलिंग को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम साइड पे देखें तो यहाँ पे साइड में ये अगर जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, अगर ये हमें बता रही है कि इस वक्त हमारा एसी ऑन है और हमें इस वक्त जो कूल एयर प्रोवाइड की जा रही है। और अगर हम यहाँ पे रेड वाली बात करें तो रेड में टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है हमारी गाड़ी का। और उसके अलावा हमें ये हॉट एयर प्रोवाइड की जाती है यहाँ से। और उसके अलावा यहाँ पे देखें शिफ्ट लीवर में, तो शिफ्ट लीवर में हमें पार्किंग फंक्शन मिल जाता है और उसके अलावा रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, न्यूट्रल का ऑप्शन मिल जाता है और ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है और टू और एल। दोस्तों ये फंक्शन हमें इसमें मिल जाते हैं इजीली। और अगर हम थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो यहाँ पे हमें हैंडब्रेक की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो कि एक बड़ी ही सख्त तरीके की हैंडब्रेक यूज़ की गई है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे कप होल्डर्स की, तो यहाँ पे हमें कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हम देखें तो हमें कंसोल बॉक्स मिल जाता है और उसके अगर अंदर वाली देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेस मिल जाती है। यस ऑलराइट, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस मिलती है। और ऑलराइट दोस्तों, अगर हम पिछली सीट्स की बात करें तो पिछली सीट्स भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई हैं। यहाँ पे भी मुख्तलिफ तौर पर फैब्रिक सीट्स इस्तेमाल की गई हैं और बहुत ही आम सीट्स से तो बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं। दरमियान में देखें तो यहाँ पर हमें आर्म रेस्ट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पर हमें कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पे कप को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें हेडरेस्ट मिल जाता है, दरमियान में भी एक हेडरेस्ट मिल जाता है और उसके साइड में भी हमें एक हेडरेस्ट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सीट्स बेल्ट जो इस्तेमाल की गई हैं वो भी बहुत अच्छी किस्म के सीट्स बेल्ट इस्तेमाल की गई हैं और बहुत ज़्यादा एक मैं पर्सनली देखो खुद को तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे बैठकर। बहुत ही लग्जरी सीट्स हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर तो हमें एक लाइट मिल जाती है, डोम लाइट मिल जाती है, जो कि जिसके एडजस्टमेंट हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर हम इसकी कीज़ की बात करें तो हमें इसके साथ तीन कीज़ मिलती हैं, दो रिमोट वाली कीज़ हैं और एक आम कीज़ है सादी की। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख सकें यहाँ से गाड़ी को हम लॉक कर सकते हैं इजीली और यहाँ से हम गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं इजीली। और यहाँ से आप अगर इसका वॉल्यूम बंद करना चाहते हैं तो ईज़िली यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रंक की ऑप्शन के लिए अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, मैं आपको दिखाता चलूँ, ट्रंक ऑलरेडी ओपन हो गया, आप चेक कर सकते हैं। और इसको लॉन्ग प्रेस करने से हमारा ट्रंक ओपन हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके इंजन कंपार्टमेंट की तो इंजन कंपार्टमेंट भी इसका किसी से कम नहीं है। अगर आप यहाँ पे सामने चेक कर सके यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूअल VVT, दोस्तों ड्यूअल VVT सिस्टम इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है इस इंजन में। और उसके अलावा यहाँ से हम इसके अंदर ऑयल इंसर्ट करवा सकते हैं, इंजन ऑयल, और यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं, इसको डिपस्टिक कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आप चेक देख सकते हैं, यहाँ पर कूलेंट लेवल शो हो रहा है, आप कूलेंट लेवल चेक कर सकते हैं। अगर आपका कूलेंट कम है ज़्यादा तो कूलेंट लेवल भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपकी वॉशिंग फ्लूड है, अगर आप वॉशिंग आपके जो यहाँ पे वाइपर्स हैं उनका वॉशिंग फ्लूड यहाँ पे। सो दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें तो इस गाड़ी में FB की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे उसकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है
और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके ऊपर वाली साइड पे हमें एयर क्लीनर मिल जाता है, जो कि हमें हमारे इंजन को प्योरीफाइड एयर प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें एयर फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे फ्यूज़ हैं और लेस दी गई हैं। यहाँ पे दरमियान है, ये है गाड़ी का ECU। ये क्या काम करता है, ये गाड़ी के EFI सिस्टम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है। यह हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इससे कंट्रोल किए जाते हैं। मार्केट लेवल में इसका नाम ECU नहीं कहते, वहाँ पे मार्केट लेवल में इसको कंप्यूटर कहते हैं, सादा कंप्यूटर, लेकिन हम जो अगर टेक्निकल ज़ुबान में इसका नाम देखें तो इसको ECU कहते हैं। सो दोस्तों, ये रहा टोटल ओवरव्यू हमारे इंजन कंपार्टमेंट। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्राइस टैग के वाले से, तो दोस्तों ये गाड़ी जिस मार्केट प्लेस में जिस प्राइस टैग के साथ लॉन्च की गई है वो तकरीबन 33,44,000 रुपए की इसकी इनवॉइस है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऊपर टैक्सेस की, तो तकरीबन रजिस्ट्रेशन टैक्सेस वगैरह डाल के, होल्डिंग टैक्स वगैरह डाल के तकरीबन 35.5 लाख रुपए की गाड़ी आपके हैंड ओवर कर दी जाती है। हम बात करें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के वाले से, तो दोस्तों ये गाड़ी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के वाले से तकरीबन अगर आप GT रोड पर इसको ड्राइव करते हैं तो तकरीबन आपको 12-13 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको इजीली एवरेज मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसको मोटरवे पे, तो दोस्तों मोटरवे पे आपके एक्सीलरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको अच्छा एक्सीलरेट करते हैं तो तकरीबन आपकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल जाती है 17-18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।